So here we are going to see the Jaibaan top. The renovation work is going on here on the wall of the fort. This is the rocky place which is used to store the water during the rainy season. और ये गारे से पारंपरिक गारे से ही दीवारों को सही किया जा रहा है. जयपुर राज्य का झंडा है क्या मनीष? ये वो देख दीवार भी किस तरह एंड करते थे टर्न में. और लोग तो यहीं तक ले आए गाड़ियां, लोग तो यहां तक ले आए गाड़ियां. एशिया की सबसे बड़ी तोप. और क्या और क्या, यही तो बात है. क्या इंजीनियरिंग रहेगी उस वक्त की, शानदार तोप बनाई. जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप. ऐसा गोला काफ़ी मील दूर तक जाता था और एक ही बार इसको युद्ध में उपयोग किया गया है. जयबाणी का इतिहास देख लीजिए. विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप का निर्माण सवय जय सिंह जी द्वितीय के शासनकाल 1720 ईस्वी जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ. बनावट चित्रण इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है. तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती था. इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई. इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल, बीच में बल्लारी है जो कि आम्बेर के कारीगरों के कला प्रेम और कार्यकुशलता का अनूठा नमूना है. इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय 1835-1880 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था. इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुरे की मोटाई 1 फीट है. पीछे के पहियों और उसके निकट लगी रोलिंग पिन की सहायता से आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है. निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप एक ही बार चलाई गई थी. किले की बनावट व सूझबूझ के कारण यहाँ कोई सेना नहीं पहुँच पाई, इस कारण इसे दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई. सो लेट अस सी द पैनोरमिक व्यू. इधर आना मनीष, ऊपर एक बार टर्न ले लें. लेट अस सी द पैनोरमिक व्यू फ्रॉम हियर ऑफ द जयपुर. जयपुर का दूर दूर का दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं. पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, नगर पूरा फैला हुआ है. अरावली की पहाड़ियाँ जो इस किले को प्राकृतिक सुरक्षा देती थी. ये किले सिर्फ एक ही बार एक ही बार परीक्षण के तौर पर प्रयुक्त हुई है, उसके बाद इसका उपयोग नहीं किया गया.
क्या तोप है, सुपर तोप। क्या हो गया वो तो उन्होंने उसको पेड़ा पेड़ा बांध रखा है ना, इसलिए शेड अच्छा किया ना इसका, है ना, कलर वाला शेड वेड सब एक ही कलर से किया है। एक पूरी पहाड़ी की कटी हुई है जल महल। भाई लोगों का बस चले ना डाइट स्वर्ग तक जाएं। बहुत सारी चीजें देखने हैं। तीन तो यही बजगी मनीष कटी लो आप तुझे ही तोप चा। सो गाइज वी आर गोइंग अगेन टू द आमेर फोर्ट। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू आमेर फोर्ट। आफ्टर सीइंग द नाहरगढ़ जयगढ़ वी आर रीचिंग टू द आमेर फोर्ट, द मोस्ट प्रेस्टिजियस फोर्ट ऑफ द ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर रीजन। जो पहले ढूंढाड़ प्रदेश में मीणाओं का राज था, उसके बाद कछुआओं का राज रहा, और आमेर फोर्ट काफ़ी हिस्टोरिक फोर्ट है। काफ़ी कछुआ राजा ने यहाँ राज किया है, काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। सो वी आर रीचिंग टू द आमेर फोर्ट। यू कैन एंजॉय द पैनोरमिक व्यू ऑफ द आमेर फोर्ट। हाँ ये आमेर फोर्ट नहीं, ये नहीं है, वो वाला, वो वाला। वो तो वो है ना, हाँ नाहरगढ़ जयगढ़ है ना आमेर फोर्ट। वीर फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हुई है, जिसमें मराठा पिंडारी, जिसमें सलमान खान ने रोल किया है, मिथुन चक्रवर्ती ने पिंडारी के रूप में कार्य किया है। वीर जैकी श्रॉफ, हाँ यही तो शूट हुई थी वो, किसकी ये तो यहाँ तो कुछ और है मनीष, ये तो कनकवाड़ी वाड़ी कुछ के लिए। अच्छा यहाँ तो नहीं बनना, नहीं नहीं आगे भी होगी ना पार्किंग आमेर फोर्ट के लिए हमारी गाड़ी से। नहीं 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 हम तो हम ही गाइड है। सी द फोर्ट्स वॉल ऑन द हिल्स, सम ब्लड इमेजेस। और ये है आमेर फोर्ट, शानदार। चेयरमैन साहब कछुआओं का राजमहल, इतिहास का साक्षी आमेर फोर्ट विद द लेक ऑन इट्स फुट हिल्स। झील के
के किनारे फोटो खिंचवा रहे हैं। ये है आमेर फोर्ट, जहाँ आप हाथी की सवारी कर सकते हैं और क्या, और यहाँ की शानदार फ्रेस्कोस चित्रकारी अद्भुत है। ऊपर करता ना वो आता पानी, पानी तो ये ग्रीनिश हो रहा है।